हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले उत्तराखंड पोस्ट पर, साथ ही उत्तराखंड से जुड़े रोचक वीडियो देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो ऐसी तो कोई बात नहीं है, मुझे तो मेरे नेता ने किसी ने ये नहीं कहा अभी तक, जो है मीडिया से सुनना में कि आपने जो है कोई बयान ऐसा दिया कि नहीं दिया। जो है आपका बयान हमारे पास भी है, वीडियो सुनना क्या होगा, आपने दिया है वीडियो, लेकिन मेरी मैंने ये जो मैंने आपसे बताया ना यही सत्य है। मैंने उसमें 60 डिमांड रखी, मैंने आपको बताया मैंने 6 विधानसभा क्षेत्र का विकास की बात नहीं करी। आप अभी कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं? हाँ, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। तो उपाध्यक्ष की ये डिमांड है कि एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी खुलनी चाहिए। देखिए मैं कब कर रहा हूँ, मैंने कहा मैंने उसमें रखी शर्त एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने यस नहीं करा उसके लिए। ठीक है, देखिए ये कांग्रेस की नीति रही है जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक। कांग्रेस केवल तुष्टिकरण करती रही है और भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा न्याय की बात की है, अन्याय किसी के साथ ना हो। आज जब हम चार धाम की बात करती है कांग्रेस, एक तरफ चार धाम की बात करती है और दूसरी तरफ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की, इस देवभूमि में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की पैरवी करती है, तो एक कांग्रेस की मानसिकता दर्शाती है कि चार धाम में वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाकर क्या करना चाहते हैं। लेकिन हरीश रावत जी भी सहमति दे चुके हैं, दावा कर रहे हैं, और देवेंद्र यादव भी दावा कर रहे हैं कि वो दोनों ने सहमति दे दी। हरीश रावत जी पहले से ही इसके समर्थक रहे हैं और उनके समय में जुमे की नमाज पढ़ने की भी छुट्टी हुआ करती थी। कहीं कोई विवाद नहीं है, भाजपा जबरदस्ती विवाद खड़ा कर रही है। अब उनको हम संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने की बात कर रहे हैं, वो तो उनको नज़र नहीं आ रहा है। किसी ने कुछ कह दिया वो नज़र आ रहा है। हम जो कुछ कह रहे हैं वो अपने घोषणा पत्र में कह रहे हैं और जो कुछ कहेंगे इस दिशा में मैं कहूँगा, प्रीतम सिंह जी कहेंगे और श्री गणेश गोदियाल जी कहेंगे। कहीं कोई विवाद नहीं है, भाजपा जबरदस्ती विवाद खड़ा कर रही है। अब उनको हम संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने की बात कर रहे हैं, वो तो उनको नज़र नहीं आ रहा है। किसी ने कुछ कह दिया वो नज़र आ रहा है। हम जो कुछ कह रहे हैं वो अपने घोषणा पत्र में कह। उत्तराखंड से जुड़ी ऐसे ही रोचक वीडियो और खबरें सबसे पहले पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।